प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बास। सो हेलो गाइस, आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा रास्ते से, क्योंकि ऐसा है कि मैं गया हुआ था सेंटर और ऋषभ भाई मेरे को वहीं मिले। उन्होंने मेरे को बताया कि इनके मोहल्ले में जोरों शोरों से जन्माष्टमी तैयारी चल रही है, जैसा आपने अभी देखा। तो आज का व्लॉग हमारा होने वाला है जन्माष्टमी के लिए। तो ऋषभ भाई बताओ, बहुत तगड़ा जाने वाला है आज का व्लॉग, क्योंकि पहले से कोविड वगैरह चल रहा था इसलिए पहले बन नहीं पा रहा है, दो एक साल से ऐसे हो रहा है, लेकिन इस बार बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही बढ़िया रहेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आज हम तुम्हें दिखाने वाले हैं नजीबाबाद में जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है। सो मिलते हैं थोड़ी देर में, अभी घर जाते हैं, थोड़ा रेडी वेडी होते हैं, इतना यहाँ भी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, तो आगे दिखाते हैं तुम्हें कैसा होता है। चलो सो बाय बाय। सो व्हाट्सअप गाइस, तो मैंने जैसा आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हम जा रहे हैं ऋषभ के पास, तो उसकी कॉल तो नहीं आई यार अभी, पर मैं सोचा मैं ही कॉल कर लूँ उसको, हमेशा कोई दूसरा कॉल कर ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। तो मैं अभी उसके पास जा रहा हूँ यहाँ से कॉल कर उसको, और वहाँ पर अब मैं आपको अपने दोस्त से मिलाऊँगा, तो उसका नाम है सचिन, तो वहाँ मैं उससे मिलाऊँगा एंड हम साथ में थोड़े शॉर्ट्स वगैरह भी लेंगे। तो चलो चलते हैं, और क्या यार, वैसे आप सोच रहे हो मैंने ऐसे बाल नीचे क्यों रखे हुए हैं ना? नहीं चलो नहीं सोचा तो मैं बता देता हूँ, ऐसा है ना, एक्चुअली थोड़ी सी डिमांड करी गई है कि ऐसे बाल सही लगते हैं मेरे, भले यार वो ड्रायर नहीं यूज़ कर पाया मैं, लाइट भाग गई भैंस के। मैं वैसे प्रेस कर प्रेस वाले कपड़े पहनता नहीं हूँ ज़्यादातर, मुझे ऐसे ही नॉर्मली कपड़े पहनना पसंद है। प्रेस वगैरह मैं ज़्यादा करता वरता नहीं हूँ, बट आज जब मैंने प्रेस कराने की सोची, मैंने सोचा चलो प्रेस करा ली जाए, साली लाइट भाग गई एंड टाइम पर। दर्द है क्या कर सकते हैं। चलो तो फिलहाल अभी ये सब बातें छोड़ते हैं, ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं टाइम वेस्ट करे बिना, तो लेट्स गो। सो जैसा आप देख रहे हैं, हम यहाँ मंदिर पर आ चुके हैं, काफ़ी अच्छे से मंदिर को सजाया गया है, काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन की गई है और लाइटें वगैरह बहुत ज़्यादा लगाई गई हुई है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आज दिवाली हो यार। देख सकते हो आप बैलून्स लगाए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा लाइट की गई है, तो जैसे देख सकते हैं आप, ओ अरे वाह, यहाँ कितने सारे बैलून लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जाने किसी का बर्थडे पार्टी में आए हुए हैं। भाई किसी का बर्थडे नहीं यार, और अब यार किशन जी का बर्थडे यार, ऐसी बात कर रहे हो। सॉरी सॉरी। तो चलो अब दिखाता हूँ मैं आपको आगे का। सो यहाँ देख सकते हैं यार राधा कृष्ण की जहाँ की नाच रही है एंड यहाँ मूर्तियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा, तो अभी हम चलते हैं आगे अमरनाथ की यात्रा करने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो चलो चलते हैं आगे एंड यार काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी गई थी यहाँ पर, पैर एकदम सुन हुए थे, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है यार। अरे भाई पैर नहीं रखे जा रहे मेरे से। तो अब यार ऋषभ भाई अब करना तो पड़ेगा ना, आ गए हैं तो ये पटरी है, पटरी रखी है, इन पर पैर रखो यार। मैं नहीं जा रहा भाई। अरे हाँ यार मज़ा आ रहा है, गर्मी वैसी हो रही है यार बहुत, ये अंकल हैं इधर अपनी बच्ची को घुमा रहे थे। सो अभी हमको यहाँ रुकना पड़ेगा। देवरे शिवलिंग बनाया यार बिल्कुल अमरनाथ जैसा ना। भाई यार बहुत सही है यार, अच्छा करा गया है बहुत ज़्यादा यार। तो देख सकते हैं आप जैसे ये यहाँ बर्फ़ का शिवलिंग बनाया गया है और अच्छे से यहाँ डेकोरेशन की गई है। लाल चंदन। अरे यार स्मगलिंग मत करो, आ जाओ आओ ऋषभ भाई चलेंगे। पुष्पराज। अरे टीका बाद में लगाना, आ जाओ। तो अभी हम आगे चलते हैं, चलो आगे दूसरी झांकी दिखाते हैं आपको और बाहर का सीन दिखाते हैं और क्या चल रहा है, और भी आगे मंदिरों पे जाएंगे हम। तो अभी हम मंदिर से बाहर आए हैं, देखा यहाँ पर पंडित जी प्रसाद दे रहे थे और टीका लगा रहे थे, तो हमने यहाँ पर टीका लगवाया और दूसरी झांकी पर आ गए। तो यहाँ हमने देखा तो अघोरी डांस चल रहा था, यहाँ भोलेनाथ जी की झांकी बनाया, मतलब भोलेनाथ जी का तांडव कर रहे हैं, तांडव कर रहे थे एंड काफ़ी अच्छा सीन था यार, तो बहुत मज़ा आ रहा है। आओ अभी हो मेरी बांसुरी का गीत। अरे ऋषभ भाई आगे पहुंच गए हमको गाइड करने के लिए। हाय। तो ऋषभ भाई हेलो। अरे किधर जाना है? इधर। चलो भाई आगे चलते हैं, अब ऋषभ भाई ने हमें रास्ता दिखा दिया है गुफा का। अरे भाई क्राउड बहुत है, संभल के जाना, सब ब्लॉग के चक्कर में गिर जाओ। अरे यार क्राउड तो बहुत है पर क्या करें, ब्लॉग भी तो बनाना है, तो आओ ऋषभ भाई चलो अंदर।
हैरी भाई ये तो बहुत बड़ी है यार, उससे पहले वाली से बड़ी है ना। हाँ यार ये उससे पहले वाली से बड़ी भी है और यहाँ बर्फ़ भी काफ़ी ज़्यादा है। हैरी भाई मेरे पैर फिर दोबारा ठंडे हो गए हैं। अब यार मेरे खुद पैर सुन रहे हैं यार। ओ हैरी भाई मेरे को गोदी ले लो यार। अबे पागल है क्या, यहाँ एक तो पटरी भी नहीं है यार, उधर तो पटरी थी कम से कम, यहाँ तो पटरी भी नहीं है। ओ भाई यार मेरे पैर सुन रहे हैं बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा। निकलो ना यार, यार मैं क्या करूँ यार, संभाल के चला भी नहीं जा रहा, तुम जल्दी निकलने की बात कर रहे। अरे यार एक सामने से इतने लोग आ रहे हैं ना, उधर से क्यों आ रहे हैं ये लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा रास्ता उधर से ही, इधर से क्यों आ रहे हैं, रिटर्न क्यों आ रहे हैं ये। अरे भाई अमरनाथ तो जाते हैं, आते नहीं हैं वापस वहाँ से। हाँ चला यार फाइनली बाहर आ गए और डायरेक्ट मंदिर में। अभी अब सुकून मिला है यार, बहुत ज़्यादा ठंडी थी यार। तो यार हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं राधा कृष्ण का मेन मंदिर है और बहुत अच्छे से सजाया गया है, ये भी फूलों की मालाएँ लगाई गई हैं यहाँ पर और बैलून्स लगाए गए हैं, लाइट्स लगाई गई हैं, देख सकते हो आप इधर साइड में उपहार रखे हैं कृष्ण जी के और ये मेन मूर्तियाँ हैं इस मंदिर की। और अब मैं तुम्हें थोड़ा करीब से दिखाता हूँ, तो ये काली माता की मूर्ति है और ये है हमारे श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति, यहाँ नीचे हनुमान जी की भी मूर्ति है और ये है हमारे कृष्ण कन्हैया की मूर्ति, उनकी गर्लफ्रेंड भी है। अरे सॉरी सॉरी, राधा राधा है, राधा माता भी है और देख सकते हो आप राधा माता। तो आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सजाए गए, फूल लगाए गए हैं, फूलों की माला लगाई गई है और लाइट्स भी लगाई गई है और बहुत अच्छे से इनके कपड़े वगैरह ड्रेसिंग वगैरह करी गई है और भी मूर्तियों पर यहाँ पर अच्छे अच्छे साफ साफ नए कपड़े लगाए गए हैं और इनको अच्छे से कवर करा गया है। ओ भाई इतने सारे गिफ्ट्स मिले हैं कृष्ण जी को, भाई मज़ा आ गया यार देख के, बर्थडे प्रेजेंट है क्या भाई, बहुत देख रहे हो फैन फॉलोइंग भाई, डब्बल डबा लिया। अरे यार पागल है क्या, किसी का गिफ्ट है यार, तुम ऐसे गंदी बात कर रहे हो, चुरा रहे हो, पता कितनी मार पड़ेगी यहाँ पर किसी को पता चलोगे। अरे भाई तुमने बोला था मुझसे, चल तो ये रसमलाई वाला टपा ले बता रहा हूँ किसी को। ओके ओके ओके। तो यार देख तो इतने सारे गिफ्ट हैं यार, मुझे नहीं मिले कभी इतने गिफ्ट। किशन जी यार बड़ी जलन हो रही है मुझे तो अभी तुमसे, बताइए क्या। हाँ सो हम यहाँ दूसरे मंदिर आ चुके हैं, बहुत अच्छे से सजाया गया है इसको भी, अंदर चलते हैं। और अरे यार कितना प्यारा मंदिर है यार, मैं पहली बार आया हूँ नजीबाबाद में रहता हूँ फिर भी इस मंदिर में पहली बार आया हूँ, देखो ऋषभ भाई कितने अच्छे सजाया गया है, ब्यूटीफुल है ना। हाँ यार बहुत अच्छा है। और हैरी भाई ये तो वो है ना क्रिश्चियन, हाँ चर्च में रहते हैं, ये संडे भाई में तो क्रिश्चियन है पर देख लो मैं देशी एकता। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, तो बाकी हम आगे व्लॉग बनाते रहेंगे, अभी हम सोच रहे हैं हम तीनों मिलकर कहीं घूमने जाएं, तो क्या कहना है आपका भाई लोगों, लाइक करें शेयर करें फॉलो करें भाई के चैनल को, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक कमेंट ठोक दो भाई, बढ़िया करके ठोक दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।